आदत भी नहीं रही अब। हाँ बाय मम्मी बाय। चलो हैव अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी। बाय। व्लॉग भी डालूंगी। बाय मम्मी बाय। वो चाबी नहीं रखी। ये है वो महान इंसान जो मेरे माँ बाप को ले जा रही है घुमाने। लवली चाबी वहां रखी है। कौन सी चाबी? अब 4 लाख के पास में है। सो गाइस ये है मेरी बहन जो लेके जा रही है। चलो हैव अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी। बाय। वीडियो बना रही है। कह रही है। कितना मजा आएगा। बाय। वो है मेरी सिस्टर और पापा। इतने टाइम बाद जा रहे हैं लोग। ललित है नीचे। हाँ ओके बाय मम्मी एंजॉय। ऐश करके आओ। गाइज गुड मॉर्निंग। सो आज है 14th अक्टूबर और आज मेरी मम्मी पापा गए हैं बहुत सालों के बाद किसी वेकेशन पे। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माई एल्डेस्ट सिस्टर, वो लेके गई है अपने बर्थडे के ओकेजन पे। बर्थडे है उनका 22nd अक्टूबर, मेरे बर्थडे के नेक्स्ट डे। सो यस वो लोग गए हैं। आज कहाँ गए हैं वो मैं आप लोगों से। सो यस आज वो लोग गए हैं ऋषिकेश और मेरी सिस्टर ने सब कुछ प्लान करा है कि कहाँ पे रुकेंगे क्या करेंगे। बेसिकली दे आर स्टेइंग एट अ रिजॉर्ट और वहाँ पे 2 दिन का ही इन लोगों का प्लान है, शॉर्ट ट्रिप है। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तो ये कि मम्मी पापा गए हैं, बहुत सालों बाद गए हैं कहीं आउटिंग के लिए। सो आई एम रियली हैप्पी एज अ डॉटर। और सेकेंड रीज़न ये है कि आई विल बी स्टेइंग होम अलोन नहीं, बेसिकली ललित इज़ विद मी, लेकिन वो भी बिजी है। आज वो पूरे दिन के लिए ऑलमोस्ट नहीं होगा, शाम को वो आएगा, अभी जाने वाला है थोड़ी देर में। सो आई विल बी स्टेइंग एट होम अलोन। और आई रिमेंबर दोज डेज जब मम्मी पापा पहले जाते थे कहीं पे, कोई मीटिंग है मतलब कोई गेट टुगेदर है कुछ है तो जाते थे। सो आई यूज़ टू बी वेरी हैप्पी कि मेरा मी टाइम है, मतलब मैं पूरे घर में गाने चला सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, हल्ला बचा सकती हूँ। अदरवाइज पापा होते हैं मम्मी होते हैं ना तो सबका मूड देखना पड़ता है। अगर मेरा मन कर रहा है सॉन्ग सुनने का सो मैंने कुछ भी चला रखे हैं, अभी तो मैं कुछ भी गाने चला सकती हूँ, कुछ भी नॉटी गंदे गाने कुछ भी चला सकती हूँ। और मम्मी पापा कोई है ही नहीं टोकने के लिए। सो आई एम रियली हैप्पी और मैं इसी दिन का वेट कर रही थी कि यस मैं भले ही जा नहीं रही हूँ लेकिन मेरे लिए भी एक अच्छी आउटिंग हो जाएगी। सो बस ये है। और आई प्लान टू रिकॉर्ड दिस एज अ मेमोरी फॉर मी और इसलिए 2 दिन के व्लॉग्स मैं बनाऊंगी। और मेरे को बहुत सारे काम है, मतलब मेरे को ना व्लॉगिंग के भी बहुत सारे पेंडिंग काम है। अभी तक मैंने बहुत चीज़ें नहीं करी हैं तो मैं सोच रही हूँ वो भी कर सकती हूँ। घर में कोई नहीं है तो मैं कहीं पर भी बैठ के वॉइस ओवर कर सकती हूँ, चिल्ला के बात कर सकती हूँ। आई एम रियली हैप्पी। सो यस ये था अभी छोटा सा इंट्रो। और खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि बहुत सारा खाना तो बचा हुआ है। परसों मैंने बनाई थी बिरयानी, वो है। कल का करवा चौथ था तो करवा चौथ का भी खाना बचा है, और नहीं तो हम खाना बाहर से मंगाएंगे। नो कुकिंग डेज। हाँ बस चाय वगैरह ही बनाएंगे घर पे। और हमारे हाउस हेल्प कुछ दिनों से नहीं थी बट उन्होंने अभी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दिया है। सो आई एम रियली हैप्पी कि चलो एटलीस्ट बर्तन वर्तन धुल जाएंगे, झाड़ पोछा हो जाएगा। अदरवाइज बर्तन मैं धो रही थी 2-3 दिनों से, मम्मा भी धो रही थी, मम्मी दिन के टाइम धो रही थी, मैं शाम से टेक ओवर कर लेती थी बर्तनों पर। सो या अभी हम मस्ती करेंगे और मस्ती वाले ब्लॉग्स बनाएंगे। तो मिलती हूँ आप लोग को थोड़ी देर में नए अपडेट के साथ। सो गाइज बहुत देर से मैं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ, अब सोचूँ जाके शावर ले लेती हूँ। बट शावर लेने से पहले आई एम प्लानिंग टू चेंज दी बेडशीट चेंज करती हूँ, थोड़ा
रूम थोड़ा सही करती हूँ, प्लस यहाँ कुछ कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, उसको भी जाके धोने के लिए लगाती हूँ, और फिर क्या करूँगी मैं, नहा लेती हूँ यार, नहा लेते हैं, मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं, वो भी करते हैं। फिर किसी का कॉल आ रहा है, लेट मी सी। सो गाइज, मैंने बेडशीट तो चेंज कर लिया है यहाँ की, आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है अभी, और अभी नहा के इसी पे पड़े रहना है। और मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ नया तो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इन दिनों को काफ़ी प्रोडक्टिव भी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कॉन्टेंट ऐसा है जो मुझे एडिट करना है और मैंने नहीं करा है अभी तक। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ कि नहा लेते हैं, फिर लंच कर लेंगे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी, ओ माय गॉड, इट्स ऑलरेडी 3:30, लाइक 3:15, या इट्स 3:15, और मैंने अभी तक नहाया नहीं है, लंच भी नहीं करा है। खैर, तो आई शुड गो एंड टेक शावर, और उसके बाद एडिटिंग करते हैं। नहाना हो चुका है, अब देखते हैं लंच में क्या खाते हैं। सो गाइज, लंच करके मैं टेरेस पे आ गई हूँ, और मैंने सोचा एक सनसेट होने वाला है, गोल्डन आर है, तो आ जाना चाहिए, और मेरे बाल भी गीले थे तो आई थॉट कि सूख जाएंगे वो भी अच्छे से। और अभी दिवाली आ रही है तो काफ़ी रेनोवेशन का काम चल रहा है आसपास, तो आप पीछे देख सकते हो लेबर काम कर रही है, तो पड़ोस में तो रेनोवेशन का काम चल रहा है, और यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन हो ही रही है कुछ मंथ से। सो गाइस, डिनर हमारा आ गया है, डिनर में ऑर्डर करा है हमने वेज चाउमिन, चिकन तंदूरी मोमोज, और ये हैं हमारे चिकन मलाई टिक्का रोल्स। तो आज हम लोग पार्टी कर रहे हैं। सो जिस बात का डर था मुझे वही हो रहा है, अब मुझे कोल्ड भी हो गया है, सुबह से थ्रोट में पेन तो हो ही रहा था। 99% केसेस में मेरे साथ यही होता है, वायरल के आने से पहले यही सिम्टम्स होते हैं। देखो अब कल फीवर भी आ जाएगा, लेकिन मैं घर में अभी किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरी बहन ही मेरा मजाक उड़ाएंगी ये कह के कि 2 दिन को मम्मी गई और तू देख तेरी बैंड बज गई। सो या आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीबॉडी। और 3:15 हो गए इनफैक्ट, अब जाके चाय बनाती हूँ, एक मसाला चाय, थोड़ा गले को आराम मिलेगा। और एडिटिंग कर रही हूँ यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, बहुत सारा काम है पेंडिंग, तो अभी इस टाइम पे मैं एडिटिंग ही कर रही हूँ, थोड़ा सॉर्टिंग सी करूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे ना बैक ऑफ माइंड चलती रहती हैं, लेकिन एफिशिएंसी की बैंड बजी पड़ी है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। एंड प्लीज़ इग्नोर दिस रेड नोज, सर्दियों की तो बात अलग है, ठंड में वैसी होने वाली है, और गर्मियों में यमहा शेप में पल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, पता नहीं जब भी ब्रेकआउट होना यहीं पर क्यों होना, ऐसा लग रहा है कि कहीं जाके मैं कोई क्या कहते हैं इसे सर्कस ज्वाइन कर लेती हूँ, वहाँ पे मेरी जॉब पक्की हो जाएगी परमानेंट। आई नो मैं सुबह से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हूँ, स्टेटस पता नहीं बस डाले जा रही हूँ, बट यार समझो मतलब खुशी जो है ना वो बांटने से बढ़ती है, जो खुशी है कि मम्मी पापा नहीं है, सो मैं उसको बांट रही हूँ, उसको शेयर कर रही हूँ ताकि वो बढ़ जाए। सो बस यही है, ऐसे ही होता है मेरे साथ, कभी मूड कर जाए बहुत स्टेटस होंगे, कभी मैं एक हफ्ते के लिए गायब होंगे, तो प्लीज़ समझ लो थोड़ा सा, ठीक है, लेबरिन वाली चीज़ें चलती रहती हैं। सो गाइज, हम लोग अभी खाना ऑर्डर कर रहे थे, और सो गाइज हम लोग अभी खाना ऑर्डर कर रहे थे, और आउट ऑफ नो वेयर हम बस अचानक से उठे, और मैंने सोचा चलो बाहर ही चलते ऑर्डर क्या करें, मतलब
ऑलमोस्ट मतलब मैंने अपनी कार्ट में ऐड कर लिया था और ललित ने अपने कार्ट में ऐड कर लिया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फटाफट से बस चेंज किया है और निकल चुके हैं हम लोग। और कहाँ जाते हैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी, पहले हमें खुद पता चल जाए हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमने फिगर आउट नहीं करा हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कहीं तो अच्छी जगह जाएंगे। और मैंने एक बहुत अपना पुराना टॉप है ये वो पहना है, पर मुझे पसंद है ये, इस वेदर के लिए बिल्कुल ही अच्छा है। और आई एम रियली हैप्पी, मैंने बहुत दिनों बाद ये डार्क सा शेड लगाया है, दिस इज रिबेल फ्रॉम मैक, और आई फील रिबेलियन इसको लगाने के बाद। वैसे भी करती रहती हूँ लेकिन इसको लगा के और ज़्यादा करने लग जाती हूँ। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ। थोड़ा सा वो है धुंध टाइप की। पार्टी की नहीं, पार्टी टाइम दिख रहा है, अच्छा बढ़िया, हमको बिना चश्मे के दिख रहा है। तो ये भी लाइट खोल देती मोबाइल में? नहीं मैं नहीं खोल सकती। तो ये क्या हम कंटेंट में डालेंगे? दैट वी आर चिलिंग। नहीं क्यों? ये क्या दुखी सा गाना चला रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, पेड़ पौधे पे नज़र जाती है मेरी, फिर उसके बाद हम लोग चल दिए कि चलो कैफेटेरियन चलते हैं। पहले बैठ करके कैफेटेरियन चल दिए, अब वो था थोड़ा पहाड़ी रास्ता, पहाड़ी रास्ता क्रॉस करते 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 मेरी ने पराठा ही दिया था, मैंने घर से कुछ और लिया था, पराठे लिया। फिर उसके बाद ये था कि आलू पूड़ी सब्जी, सब्जी पूड़ी है तो मटर आलू की सब्जी थी और फिर पूड़ी मंगा ली।